अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फाह मिर्जा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी डिफेंस डे। वी सल्यूट आवर मार्टर टुडेज एंड एवरी डे फॉर देयर सैक्रिफाइस। मे अल्लाह ब्लेस आवर आर्म्ड फोर्सेस विद मोर स्ट्रेंथ टू फाइट एनी एक्सटर्नल फोर्स एंड टू कीप पाकिस्तान सेफ। तो इस मौके की मुनासबत के हिसाब से हमने दो वीडियोस क्रिएट किए हैं क्लैश एनिमेशंस में, एक एमएम आलम के रिलेटेड और जो है एक राशिद मिन्हाज शहीद के रिलेटेड। तो बाकी उनके पीछे क्या इंस्पायरेशन थी, हमारी क्लैश एनिमेशंस ने उनको क्यों क्रिएट किया, वो बाकी सब डिस्कस करते हैं हारिस अवान साहब जो कि हमारे टीम लीडर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हारिस अवान साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, व्यूअर्स के लिए बता दीजिएगा कि इंस्पायरेशन क्या थी आपकी और बिहाइंड एनिमेशन और क्रिएटिंग दीज वीडियोस। इंस्पिरेशन थी कि हम अपने हीरोज को हाईलाइट करें जो सिर्फ अभी किताबों में ही हम पढ़ते हैं अपने 5, 6, 3, 4 क्लास में शायद। तो इस वजह से फिर दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की हमने अपने हीरोज को, ताकि हम उनकी याद बनाए कि उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे जंगों में और मुल्की हिफाजत के लिए। तो एक दफा फिर दोबारा मेमोरी ताजा हो जाए। ठीक ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स के लिए मैं इधर जो है वो जो भी वीडियो सामने रिलेटेड टू अपने कंट्री क्रिएट की है आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वो इधर पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह की वीडियोस क्रिएट है। आपने फर्दर अगर इनके लॉन्गर वर्जन देखने हो तो आप जाके क्लैश एनिमेशंस के चैनल पे खुद भी देख सकते हैं। इंडियन जहाज पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो चुके हैं। इंडिया को लगता है उसने हमें सरप्राइज कर दिया, हम डर जाएंगे। ओ, हम डर गए। We are not surprised. It is your turn. Now you wait and get ready for your surprise. We will surprise you. निकलो, कितने फंस गया। मगर ये कैसी जंग है? मैं और मेरा दुश्मन एक ही तैयारी में। मेरा दुश्मन वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं करूंगा। मुझे ये करना होगा अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपनी सरजमीन के लिए। ऐ सरजमीन पाक, तुझ पे मुझ जैसे लाखों कुर्बान। आपको सारी वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कोशिश कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप फर्दर आपको इस तरह के वीडियोस मजीद इस तरह के मोहम्मद बिन कासिम इस तरह हमारे जो भी हीरोज रहे हैं पास्ट में इंशाल्लाह उनसे रिलेटेड जो है इसके अलावा अर्तुगरुल गाजी और बहुत सारे जो है आने वाले दिनों में आपको जो है इस तरह की स्टोरीज देखने को मिलेगी। तो हारिस साहब, चूंकि हमारा चैनल जो है वो एनिमेशन से लर्निंग से रिलेटेड है, तो हम ये भी चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जो है इस बारे में सीख भी सकें व्यूवर्स के हम एनिमेशन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि अगर एक एक व्यूवर जो हमारा देख रहा है उसने भी इसी तरह की वीडियोस क्रिएट करनी हो तो कौन से टूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड होंगे इस तरह की वीडियो क्रिएट करने के? टूल्स 3D टूल्स मुख्तलिफ हैं, जैसे कि माया यूज करते हैं लोग, ब्लेंडर यूज करते हैं, 3ds Max यूज करते हैं, सिनेमा 4D यूज करते हैं, लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम अपनी वीडियोस के लिए यूज कर रहे हैं, वो ब्लेंडर यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी वैरायटी मिलती है। इसमें आप स्कल्पिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन माया में नहीं होता। हम करेक्टर्स हमने बनाने होते हैं मुख्तलिफ, मतलब कि हमने राशिद मिन्हाज बनाना है, हमने दूसरे करेक्टर्स बनाने हैं, तो हम उनकी इस वजह से उसमें ही बनाते हैं ब्लेंडर में। तो हम अभी फिलहाल जो यूज कर रहे हैं वो ब्लेंडर यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो वो एक फ्री है और वो आराम से इंस्टॉल वगैरह हो जाता है सिस्टम से, तो इस वजह से हम उसी को यूज करते हैं।
ठीक माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो व्यूअर हैं वो चाहे जर्नली किसी और किस्म की एनिमेशन वीडियो बनाना चाह रहे हैं या पेट्रियोटिक किसी भी किस्म की वीडियो बना, तो ओवरऑल क्या समरी प्रोसेस है कि हम कैसे परसीव करते हैं वीडियोस को इधर जो है, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चल सके और वो भी खुद से भी अगर किसी भी रिलेटेड एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं, बनाना चाह रहे हैं तो वो क्रिएट कर सकें, जरा प्रोसेस समरी बता दीजिएगा। सबसे पहले तो सर आइडिया होना चाहिए आपके पास, मतलब कि अब एक आइडिया होना चाहिए, वन लाइनर जिसे कहते हैं ना, एक आइडिया होना चाहिए कि हम किसके ऊपर बनाना चाह रहे हैं और हमारा मकसद क्या है बनाने का, एंड क्या है और उसका हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। फिर उसको हम एक्सपेंड करें स्टोरी को, स्क्रिप्ट लिखें। तो स्क्रिप्टिंग सबसे पहले है कि आप स्क्रिप्ट जितना अच्छा लिखेंगे उतनी अच्छी आपकी स्टोरी बन जाएगी। चाहे आपकी एनिमेशन फर्स्ट अच्छी ना बने, लेकिन अगर आपकी स्टोरी जानदार है ना तो वो अट्रैक्ट करेगी लोगों को, वो फिर भी देख लेंगे लोग। अगर आपकी स्टोरी माठी है और एनिमेशन है आपकी टॉप नॉच है, लेकिन फिर भी लोग एंटरटेन नहीं होंगे, ठीक है। आप सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट पे फोकस करना है, आइडिया पे फोकस करना है, फिर उसके बाद आपका काम आएगा एनिमेशन प्रोडक्शन में। फिर आपने करेक्टर्स अच्छे बनाने की कोशिश करनी है, उस एनवायरनमेंट अच्छे बनाने की कोशिश करनी है, एनिमेशन अच्छी बनाने की कोशिश करनी है, फिर उसके इन द एंड जो रिजल्ट आएगा फिर वो सारा मिला के जो मिलेगा ना वो अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हमने अभी तक यही सीखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इधर मैं एक चीज खुद से भी ऐड करना चाहूँ कि अगर पहली दफा एनिमेशन वीडियो नहीं भी सही बनती तो उससे आपने डेस्परेट होके परेशान नहीं होना है। पहली दफा में हमने भी अभी मतलब हमारी फिर भी परफेक्ट नहीं है, मुझे पता है अभी भी हम बहुत लैगिंग पे है, लेकिन ये वीडियोस बनाते भी हमें एक साल हो चुका है और हमारी एक माशाल्लाह अच्छी खासी टीम है, 9 से 10 बंदों की जो डेली बेसिस पे वीडियोस पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर ये इस लेवल पे आई है। तो आप उसी हिसाब से सोच लें कि कितना टाइम लगता है इन चीजों को इम्प्रूव करते हुए, और अभी भी इम्प्रूवमेंट के 1000 गुना मजीद चांसेस है जो कि हम करते रहेंगे। तो इसी तरह आपने भी नहीं घबराना, अगर नई वीडियो उतनी अच्छी बात रही तो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, उस वीडियो को अपलोड करें, रीट्राई करें, थर्ड ट्राई करें, फोर्थ, इंशाल्लाह आपके काम में जो है वो बेहतरी आती जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है जो सॉफ्टवेयर चलाना जानता है, और अगर एक स्टूडेंट है जो सॉफ्टवेयर नहीं चलाना जानता, मतलब ओवरऑल वो कंप्यूटर से इतनी नो हो नहीं रखता, दोनों के लिए थोड़ा बताएं कि डिफिकल्टी लेवल कितना रहता है। आया हमारे पास कोई एग्जांपल्स हैं कि जिनको मतलब ओवरऑल कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर चलाने भी हमने सिखाए और वो अल्टीमेटली उन्होंने सीखा, उन्होंने कितनी देर में सीखा। मैं ऑन एवरेज मतलब फिर भी वही बात है कि इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल इंटरेस्ट टू, बट मतलब ऑन एवरेज क्या है, और कोई ऐसे भी था जिन्होंने पहले ही टूल जाते तो उनको कितना टाइम लगा इन चीजों में? जी इधर हमारी टीम में काफी लोग रहे हैं, अभी भी हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कभी 3D सॉफ्टवेयर को हाथ नहीं लगाया था, बाकी दूसरे टूल्स को एडिटिंग टूल को यूज़ किया था, यानी कि मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली कभी 3D को हाथ नहीं लगाया, 3D का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था, लेकिन माशाल्लाह अब वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया हुआ है, यानी कि 6-7 माह में ही उन्होंने वीडियोज़ काफ़ी अच्छे लेवल की बनाने लग गए हैं वो। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, करते रहते हैं, उससे इंटरेस्ट भी होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, उसके साथ ये मिला के ही एक रिजल्ट निकलता है। ठीक ठीक, यानी कि एक स्टूडेंट जिसको बेसिक किसी भी टूल का ओवरऑल थोड़ा सॉफ्टवेयर का पता हो 6-7 महीनों में, और अगर कंप्यूटर किसी को पता ही नहीं है तो उसके लिए कितना मुश्किल है, ऐसा कोई था आपकी नजर में जो जिनको आपने मतलब ओवरऑल ही सारा सॉफ्टवेयर भी मतलब चाहे अडोब फोटोशॉप ही थी वो भी आपने ही चलाना, अडोब प्रीमियर भी और ब्लेंडर भी, तो इस तरह की भी कोई एग्जांपल है? इस तरह की एग्जांपल भी है जी, लेकिन वो जो थे बंदे वो थोड़ा बहुत उनका नो हाउ थी चीज़ों की, यानी कि वो ट्यूटोरियल वगैरह देख लेते थे, इंटरेस्ट था थोड़ा, तो इस वजह से उन्होंने अचीव कर लिया था। लेकिन जिसको बिल्कुल भी नहीं है वो भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, दिल लगा के अगर सीखेगा तो इंशाल्लाह वो भी सीख सकता है। ठीक, और वैसे भी आप कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी, और वैसे भी आप वो वक्त तो शायद इतना रह नहीं गए, कंप्यूटर तो किसी हद तक चलाया ही होता है, चाहे मतलब उसको गेम्स खेलने के लिए चलाया था या सिंपली किसी भी चीज के लिए, उतना बंदे को आता होता है चीजों का पता। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइएगा कि अब उसने वीडियो बना ली, उसको वॉइस ओवर फाइंड आउट करने है कि मतलब इसकी जो है वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं, तो कहाँ से वो वॉइस ओवर रेलिवेंट फाइंड आउट कर सकता है, उसके बारे में बताइएगा। हम वॉइस ओवर लिखते खुद हैं, पता था, तो फिर उसके बाद हमने एक स्टूडियो भाई हैं वो हायर किए हुए हैं, वो उनकी उनको हम दे देते हैं, उनकी हेडेक होती है, वो आगे आर्टिस्ट बुलाते हैं, कितने करेक्टर्स हैं अंदर, वो उनकी हेडेक है, वो हमें इतना टाइम फ्रेम देते हैं कि मैं इतने दिनों तक आपको ये सारा कुछ सारे करके दे दूंगा,
तो उनसे हमारा एक हुआ हुआ है माहिदा कि 1 मिनट में आप इतने चार्ज करेंगे, 1 मिनट के ऑडियो में इतने चार्ज करेंगे, तो वो ठीक हमें उतने हिसाब से चार्ज कर देते हैं जितना हमारा लंबा वॉइस ओवर होता है, ठीक जितने वॉइस ठीक ओवर होते हैं उस हिसाब से। ठीक अच्छा अच्छा चलिए, इस वॉइस ओवर का तो मसला मुझे पता है कि एक स्टूडियो हायर करना है, एक न्यू कमर है वो चाह रहा है कि यार मतलब उसके पास अभी इतना बजट नहीं है कि वो वॉइस ओवर के लिए जी बंदा अलहदा से हायर करे 8-10 मिनट करने के, उसको जितने भी 5-6 हज़ार 8 हज़ार पे करने पड़े। कितने हम 5 हज़ार पे करते हैं वैसे वैसे उन जनरली? तीन 2-3 हज़ार करते हैं, 5-6 मिनट का, छह पाँच सात छह मिनट मिनट का का। जी, तो और वैसे भी हमारा बल्क है, मेरे ख्याल में कम हो तो रेट और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज है, तो अगर नहीं तो वो खुद कोई टूल्स वगैरह या ये जिससे जैसे आप शुरू में करते होते थे, मुझे खुद भी याद है, तो वो कौन से टूल्स हैं जिससे थोड़ा वाइज चेंज भी कर सकता है? चलिए ठीक है, अभी के लिए जी वो प्रोफेशनल लेवल पे ना जाए, लेकिन जी वो क्या चाह रहा है कि चलो वीडियो में कम से कम क्रिएट कर लो, तो उस बारे में बताइए। टूल्स मुख्तलिफ, प्रीमियर प्रो में भी आवाज़ चेंज हो जाती है, एक ओडेसिटी एक सॉफ्टवेयर है फ्री, उसमें भी आवाज़ चेंज हो जाती है, और अडोबी का भी है एक सॉफ्टवेयर, उसमें भी आवाज़ वगैरह मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, यानी कि ठीक है मेल की फीमेल बना सकते हैं, फीमेल की बच्चे वाली बना सकते हैं, ऐसा ठीक है कुछ। लेकिन वो इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये लड़की बोल रही है, अब ये लड़का बोल रहा है, भारी आवाज़ है, कुछ जिन्नात ठीक बोल है रहे हैं, तो इस टाइप की। डन हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस तरह की मजीद कौन कौन सी वीडियोस जो हैं मेरे हमारे यूजर्स को एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो क्लैश एनिमेशंस पे आने वाली है? इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि इस हीरोज के जो हम वीडियोस बनाए, एक वाइड स्केल में बनाए, मुख्तलिफ हीरोज को हम कवर करें, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अयूबी, अर्तुगरुल गाजी, और ये जितने भी हमारे हीरोज गुजरे हैं, इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह जल्द आए क्लास एनिमेशन में आपको नजर आएंगे ये वीडियोज, और आपको इंशाल्लाह पहले से ज्यादा एंटरटेनिंग और पहले से अच्छी क्वालिटी नजर आएगी। ठीक माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा एडवाइस फॉर पीपल दैट आर इंटरेस्टेड इन डूइंग 3D एनिमेशंस, उनके लिए क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? एडवाइस यही है कि आप कभी हिम्मत ना हारें, और एक दिन में कुछ नहीं सीख सकते, कोई 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 भी आप चीज़ सीख नहीं सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा और रोज़ कोशिश करनी होगी, और आपको हिम्मत नहीं हारनी, बस कोशिश करते रहना हर दिन, चाहे वो किसी और को आपने कंपेयर नहीं करना, आपने अपने आर्ट के साथ, अपनी वीडियोस के साथ, अपने जो आप चीज़ें बनाते हैं क्रिएट करते हैं उसके साथ कंपेयर करना है। अगर आप किसी और के साथ कंपेरिजन करेंगे तो मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें, भलाई चीजें भी बना देते हैं लोग, जो बंदा कहता है यार ये कैसे बनाई होगी इसने, ठीक और अभी भी मैं देखता हूँ चीजें ऐसी, तो वो कमाल की होती है, जो उसको हम अभी टच नहीं कर सकते, वो बड़ी, आपको 5-6 साल 10 साल बाद आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। जी, अल्टीमेटली एम आपका वही होना चाहिए कि आपने वही अचीव करना है, लेकिन शुरू में घबराना नहीं है। हो सकता है कि उसने जो वो काम कर रहा है उसने 10 साल ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो यू कांट कंपेयर विद अ 1% 1 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन टू अ 10 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपने मेक श्योर करना। ठीक, रियली थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएबल फीडबैक हारिस अफगान साहब। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्यूरीज के एनिमेशन वीडियोस कैसे क्रिएट की जाती हैं सॉल्व आउट हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आप फर्दर वीडियोस इस तरह देखने चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हामिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।